Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. So you guys are absolutely fine, you guys are doing perfectly well, you guys are on the fire. आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन आप डेली बेसिस पे कर रहे हो. मेन चीज़ है गाइज रिवीजन, और सिर्फ रिवीजन नहीं मल्टीपल रिवीजन. जितना आप रिवीजन करोगे ना, आप एग्ज़ाम उतने अच्छे से क्रैक करने की हिम्मत रखोगे, राइट. बाकी प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही रहे होंगे एग्ज़ाम वगैरह की, ठीक है. चलो भाई, तो आज हम लोग आपका इंग्लिश में क्या करने वाले हैं, टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. टेंस आपने बेसिक पढ़े भी होंगे, ठीक है. आप टेंस से वाकिफ हो कि कैसा कैसा इसका फंडा रहता है, ठीक है. मेन अगर हम देखें टेंस क्या करता है, हमें एक टाइम बताता है, ठीक है. हमें टाइम बताता है कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो कब हो रहा है, पहले हुआ था या अभी हो रहा है ना, या आगे होगा, तो वो हमें टेंस बताता है. ये बात सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ये बात सबको पता है कि सर टेंस हम पे मेनली तीन होते हैं. एक हो गया आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है. जहां बता रहा हूं वहां समझना है आपको, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना, बिल्कुल फोकस्ड होकर के क्लास को करना है. एक ही बारे में चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. टेंस है, इसमें आपको मैं थोड़ी स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, ओके. अब इसमें क्या है कि अब आगे आपके जो भी टॉपिक होंगे ना, उनमें थोड़ी बहुत आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना. नहीं तो आप फिर जो जैसे आपको क्या होता है कि एग्जाम में जो आपके कुछ वर्ड्स होते हैं उनको बिल्कुल जंबल्ड वर्ड आप जिन्हें कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हौच पौच करके दिया रहता है, आपको उनको रीअरेंज करना होता है. तो जब तक आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर की पहचान नहीं होगी कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे वो फॉर्म होता है, कहाँ सब्जेक्ट आता है, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, कैसे कैसा वहाँ पे फंडा रहता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है. एक चीज़ और इसको देखने से पहले, ठीक है, आपको क्या करना है कि जो आपके वो हैं क्या, जो हमने सब्जेक्ट देखे थे कि सब्जेक्ट आपका क्या होता है, तीन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है. आई मीन जो आपके पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में भी फिर सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ये चलता है हर किसी पर्सन में. तो वो आपको एक बार क्लियर कर लेना कि फर्स्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हो गया, आई. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या होता है, वी होता है. सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, यू होता है जो सब्जेक्ट है, है ना. और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो जैसे ही हो गया, शी हो गया, ठीक है, इट हो गया, ये आपके क्या है, सिंगुलर है. और हमने कोई भी नाम ले लिया वो भी आपका सिंगुलर है. बाकी जो दे होता है, टी एच ई वाई दे, तो वो क्या होता है, वो प्लूरल होते हैं. ये सारी चीजें हम एक दो बारी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बारी फिर वो देख लेना, चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है. तो टेंस आपके तीन होंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. जो भी टेंस होता है, अगर मैं पास्ट की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं और फ्यूचर की बात कर रहा हूं, इनके चार चार टाइप होते हैं, इनके चार चार टाइप होते हैं. एक होता है आपका फर्स्ट इनडेफिनिट. अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसी पास्ट के लिए होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसी फ्यूचर के लिए होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है. एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं चीज़ें कि यहाँ पे चल क्या रहा है. जो आपका इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट का मतलब है जो निश्चित नहीं है, जो अनिश्चित है, जो फिक्स नहीं है, विच इज नॉट डेफिनिट, वर्क इज नॉट क्लियर. जो वहाँ पे एक्शन हो रहा है, जो वहाँ पे काम हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है कि वो कंप्लीट है कि नहीं है, ठीक है. वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इनडेफिनिट है, फिक्स नहीं है कि यार हो गया होगा कंप्लीट कि नहीं हुआ होगा, ठीक है. तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडेफिनिट कहेंगे. हर किसी केस में होगा, जैसे मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है. इसमें मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ये आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट है. अभी हम आगे देखेंगे एक एक करके, ये आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट है. अब हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो कब स्कूल जा रहा है, वो अभी स्कूल में ही है या स्कूल से घर आ गया. सिर्फ ये बोला कि हाँ भाई वो डेली स्कूल जा रहा है, वो डेली स्कूल जाता है, पता नहीं कब जाता है, कैसे जाता है, ठीक है. तो वही है कि घर आ गया, ये सारी चीज़ें इनडेफिनिट में आएंगी. कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस एक्शन होता है जो हो ही रहा है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. ये कंटिन्यूअस में चल रहा है, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, तो ये कंटिन्यू अभी बोल रहा, ठीक है. आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, ओके. परफेक्ट में क्या होता है, जो कंप्लीट हो गया, जो परफेक्ट है, मतलब जो फिट है, कंप्लीट हो गया है. जैसे ही हैज विजिटेड ताजमहल, ठीक है, उसने ताजमहल को विजिट किया, उसने ताजमहल को देखा, घूमा, कंप्लीट हो गया काम, ओके. परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो यहां पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट हो गया, एक कंटिन्यूअस है जो अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस मतलब जो अभी चल रहा है लगातार, ओके. ध्यान से देखना, परफेक्ट यहाँ पे काम खत्म भी हो गया और चल भी रहा है, ठीक है. इसमें कंप्लीट भी होगा और कंटिन्यू भी हो रहा है. ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, कुछ पढ़ लिया, कुछ खत्म भी कर लिया, कुछ अभी पढ़ ही रहा है. तो ये होगा आपके हर किसी टेंसेस में आपका ऐसा रहेगा. आई एम श्योर ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, समझ आपको आ गया होगा, ठीक है. चलो सर, अब हम फर्स्ट उठाते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. पहला जो हमने टेंस उठाया, ऐसे कौन सा उठाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यहाँ से उठाया. इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. जहाँ समझाऊंगा वहाँ समझ. इसके रिकॉग्निशन, अगर आप लोग थोड़ी कोई सेंटेंस आपके पास है, आप थोड़ी लगाना चाह रहे हो कि यार यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर मैं हिंदी में बोलूँ
तो जो आपकी मेन वर्ब होती है, अब सबको वर्ब का फंडा भी पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला जो भी सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट क्या है? जो काम कर रहा है। वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है, जो एक्शन वहां पे चल रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे सब्जेक्ट के एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, या वहां पे सब्जेक्ट वर्ब को छोड़ करके जो भी बचा है वो आपका ऑब्जेक्ट, आप उसे मान सकते हो। ठीक है, वर्ब आपको पता है, वर्ब का हमने पूरा फंडा देखा। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दो ही आपको मेन चीज समझनी है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या करती है? जो प्रॉपर वहां पे काम हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? जो स्टेट बता रही है। ओके, तो जो मेन वर्ब होते हैं उसके साथ ता है, ती है, ते है, ठीक है, ये अगर कहीं पे लगता है तो आप समझ जाने वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाकी और क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा बेसिक रेगुलर जो बेसिकली रेगुलर एक्शन को, जो नियमित हो रहे, जो डेली हो रहे हैं एक्शन, उनको वो क्या करता है? बताता है। हैबिचुअल एक्शन, जो आपकी हैबिट है। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हर जगह हमेशा सेम होता है, सत्य होता है, उसे जनरल स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट है तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं। अब ध्यान से देखना, ये प्रेजेंट में चल रहा है, इंडेफिनिट है, फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें अब हम, मैंने आपको क्या बोला था, जब हमने सेंटेंस पढ़े थे तो बताया था मैंने सेंटेंस के टाइप। एक होता था आपका क्या, जिसे हमने क्या बोला था, असर्टिव बोला था, या हमने उसे डिक्लेरेटिव बोला था। डिक्लेरेटिव में क्या, या असर्टिव बोला था। असर्टिव आपके दो टाइप के थे, एक पॉजिटिव था, एक आपका नेगेटिव था। तो यहाँ पे हमने एक एक करके चीजों को देखना है। इस पॉजिटिव को हम वहाँ पे अफर्मेटिव भी कहते हैं, बताया होगा, अफर्मेटिव कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। फिर एक आपका इंटरोगेटिव होता है जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक आपका नेगेटिव एंड डेरोगेटिव भी यहाँ पे होगा जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, नॉट का यूज भी होगा। तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है भाई। ओके, तो ये यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे, हर एक टेंस का हमने ऐसे ही देखना है। इसमें मेन जो है, जिसमें थोड़ी हॉचपॉच वाला मामला है, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही है, बाकी बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रेजेंट में ही मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा, जैसे आपका फ्लो बनेगा फिर हम आके डायरेक्ट कर लेंगे। ये कर लोगे तो आप हर एक सेंटेंस को इजिली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ले रहे हैं, कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हम यहाँ पे सेंटेंस ले रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कोई भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे वर्ब आएगा, क्या क्या फंडा रहेगा, वो हम देख रहे हैं। इसका है, सबसे पहले आता है आपका इसमें सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस लगता है, ई एस लगता है, आई ई एस लगेगा। ठीक है, एस लगेगा, ई एस लगेगा, आई ई एस लगेगा, और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। सर, जो ये एस ई एस आई ई एस है, ये आपका सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे क्या हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है, या कोई आपका नाम हो गया, ठीक है, कोई आपका नेम हो गया, इनके साथ आपका क्या लगेगा, एस लगेगा, ई एस लगेगा, आई एस लगेगा। कहाँ पे लगेगा? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहां पे लगेगा। कंफ्यूज मत होना, जैसा समझा रहा हूँ वैसे समझो, गारंटी है क्लियर होगा। ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ, या उससे पहले देख लेते हैं जो एस ई एस आई एस ये कहाँ पे लगेगा। जो मेन, ये आपको याद नहीं करना है, ये मैं आपको जस्ट आपके फ्लो के लिए समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, जो आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब एंडिंग विद, जो मेन वर्ब होगी, क्योंकि मेन वर्ब के साथ ही एस सी एस आई एस लगना है, अगर वो ओ पे एंड हो रही है। अब मैं आपको एग्जांपल दे, आपने एक वर्ब देखे गो, वर्ब होती है गो मतलब जाना। अब हम इसमें हमेशा क्या, हमेशा नहीं करते हैं, जो आपका थर्ड, अभी एग्जांपल दूंगा डोंट वरी, जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें हमने एस ई एस आई एस लगाना है। तो जो ओ होता है लास्ट में, जो ओ पे जा रहा है उसके लास्ट में हम ई एस लगा लेते हैं, तो गो का गोज बन जाता है, जैसे डू का डज बन गया। ठीक है, ऐसे देखो एस एस, कहीं पे अगर कोई भी मेन वर्ब है वो लास्ट में उसके डबल एस है, हम क्या इनमें से क्या लगाएंगे, हम वहाँ पे ई एस लगाते हैं। जैसे के आई डबल एस किस, इसमें ई एस लगाया। एम आई एस एस मिस, इसमें हमने ई एस लगाया। पी एस एस पास, इसमें हमने ई एस लगाया। हर बार नहीं लगाना है, जहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहाँ पे लगाना है। ओके, अगर कोई मेन वर्ब एस एच पे खत्म हो रहे, लास्ट में एस एच है, उस पर हम ई एस लगा लेते हैं, ई एस लगा लेते हैं। देख रहे हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसमें आपका कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे वाई होगा, उसमें हम वाई को हटा देते हैं, आई ई एस लगा लेते हैं। ये वाला जो था, आई एस लगा लेते हैं। ट्राई था, वाई हटाया, आई एस लगाया। फ्लाई ट्राई था, वाई हटाया, और यहाँ पे आई एस लगाया। ठीक है, फ्लाइज। ओके, फिर देखो वोवेल प्लस वाई, वोवेल होगा, वोवेल कॉन्सोनेंट सबको पता है। ठीक है, वोवेल यहाँ पे क्या है, ए है और ए वाई पे, ये सिर्फ ऐसा रहा, ये से था से, इसमें हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब लगानी है, हम वहाँ पे सेज कर लेंगे, एस वाई ए एस कर लेंगे, और ये आपको पहले से पता भी होगी। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको रिकॉल कर, पहले ही आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पे आई लिखना। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, बेसिक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, अब देते हैं, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव का आपको सेंटेंस है, मैंने लिखा राहुल गोज टू स्कूल। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन से टेंस का है? सबसे पहले तो आपने यही देखना है कि यार यहाँ पे वर्ब की, अच्छा यहाँ पे अभी
हेल्पिंग वर्ब भी आएंगे आगे, ठीक है। कि जो यहाँ पे वर्ब है वो कौन सी है, आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब है गो, यहाँ पे आपके वर्ब क्या है, वर्ब है गो, और ये ES यहाँ पे लग गया। ES हमेशा किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, और किसी में नहीं लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, वो भी किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पे राहुल क्या था, थर्ड पर्सन था, एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर मैं सिर्फ इसे लिखता कि राहुल गो टू स्कूल, गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हमेशा ES लगता है, इंग्लिश ग्रामर का रूल है। ओके ठीक है, मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ गो लिखा है, यहाँ पे मैंने गोज नहीं लिखा है, क्योंकि आई क्या है, आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ES, आई, ES या एस किसके साथ आएगा, ओनली 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 ऑन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी स्ट्रक्चर क्या लिखा था कि सर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। हमने यहाँ पे बोला कि एस, ES, आई, ES आ सकता है थर्ड पर्सन के साथ। देखो आई सब्जेक्ट हो गया, आई गो, गो क्या हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, आई प्ले इन द पार्क, आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया आपके वर्ब, इन द पार्क हो गया ऑब्जेक्ट, अमन थर्ड पर्सन है, फिर यहाँ पे देखो गोज आ गया, ठीक है, अमन गोज टू स्कूल, ये वर्ब है, इसके साथ आई एस लगा लिया, ऑब्जेक्ट वाला हो गया। द अर्थ मूव अराउंड द सन, अब ये कौन सा हो गया, जैसा हमने बोला कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जनरल स्टेटमेंट होते हैं, हमेशा के लिए जो आपके रहते हैं, है ना, तो वो चीज़ आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमने देखो, अगर आप इसे उससे भी देखोगे, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, अर्थ हो गया आपके सब्जेक्ट, नाउन है, मूव्स MOVES, ES लग गया, थर्ड पर्सन था, ठीक है, अर्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, अराउंड द सन, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, देख रहे हो, ही हिट्स, ही हिट करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के साथ SES वगैरह ही आएगा जब थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा किसका फंडा, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फंडा, वो भी कौन सा स्ट्रक्चर, पॉजिटिव वाला, हॉच पॉच तो नहीं हो रहा है, सिंपल चल रहा है, ओके, बस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा टाइम दो, पास्ट वगैरह के फिर सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, फ्यूचर के भी सारे हो जाएंगे, जो भी और आएंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एक बार फ्लो आपका बनना चाहिए। अब हमने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इसका हमने स्ट्रक्चर लिया कौन सा, नेगेटिव वाला, अभी हमने पॉजिटिव करा। नेगेटिव में क्या होता है, नॉट का यूज होता है, नॉट का यूज हम कहाँ पे करेंगे, स्ट्रक्चर है एज फॉर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, एक आएगा आपका डू, एक आएगा आपका यहाँ पे डज, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो डू आएगा या डज आएगा। अब डू और डज किसके साथ आएगा, डज आएगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी जो भी होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बाकी जो भी होंगे वो सबके साथ आपका डू आएगा, सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ ही आपको क्या करना है, डज लगा लेना है। सब्जेक्ट आएगा या तो डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, डज नॉट किसके साथ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, बाकी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपका ES, IS का कोई फंडा नहीं है, वो सिर्फ किस में है, पॉजिटिव वाले में। ओके चलो, ओके इसमें देखो मैंने लिखा राहुल डज नॉट गो टू स्कूल, अब ये राहुल थर्ड पर्सन था, नॉट का यूज होगा तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, डज आएगा। यहाँ पे ऐसा भी समझ लो कि सर अभी हमने बोला था कि मेन वर्ब के साथ एस, ES, IS लगेगा, कब, थर्ड पर्सन के साथ, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ हो, वैसे भी लग गया, ठीक है। आई डू नॉट प्ले इन द पार्क, यहाँ पे मैंने डज नॉट नहीं करा, मैंने यहाँ पे डू नॉट करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, डू नॉट करा, क्योंकि आई क्या था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था, बाकी तो आपका क्या आएगा, थर्ड के साथ डज आएगा। ओके, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क, वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो स्कूल ऑन संडे, संडे को स्कूल नहीं जाते हैं, ये सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेगेटिव क्लियर हो, कुछ कुछ फंडा क्लियर हो, कुछ कुछ फंडा, स्ट्रक्चर देख लो क्या है, हर जगह हमेशा आपका ये अप्लाई होगा जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, नेगेटिव होगा। कैसे पता लगाओगे, कोई भी सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको दे दिया, कैसे पता लगाओगे, डू को देखो, डज को देखो, डू और डज हमेशा किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आता है। आई बात समझ में, यस सर। अब फिर हम बात करते हैं किसकी, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा आपसे जा रहा है, हमेशा इंटरोगेटिव में ध्यान रखना, नोट कर लो, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा कोई भी वो सेंटेंस हो जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हमेशा स्टार्टिंग में आ जाती है जब वहाँ पे सेंटेंस कैसा हो, इंटरोगेटिव हो। इंटरोगेटिव है, देखो डू डज यहाँ पे पहले आ गया, ठीक है, जो डू डज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, पॉजिटिव में नहीं है, बाकी सब में है, कंफ्यूज मत होना यार। डू डज आया, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। डज आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। मैंने लिखा डज राहुल गो टू स्कूल, डज राहुल गो टू स्कूल, जैसे आपने यहाँ पे डज देखा, आप समझिए सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे आपने स्टार्टिंग में डज देखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखा, आप समझ जाओगे इंटरोगेटिव है, ठीक है। फिर लिखा डू आई प्ले इन द पार्क, क्या मैं पार्क में खेलता हूँ, ठीक है, डू आई प्ले इन द पार्क, क्या मैं पार्क में खेलता हूँ।
डज राहुल गो टू स्कूल, क्या राहुल स्कूल जाता है, ओके ठीक है। फिर एक मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं कुछ, डब्ल्यू एच मतलब जैसे जो डब्ल्यू आर एच में आते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, ये डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच आ रहा है ना, इनमें हम हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड हम इनको कहते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली हम इनको कहते हैं जिनमें डब्ल्यू आर एच रहता है, ठीक है, वेयर विच होम हुज इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, समझ रहे हो, फिर जो है वही आएगा ऊपर वाला। बस जो आपका इंटरोगेटिव था, अगर वहाँ पे आपको डब्ल्यू एच जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, ये अगर आपको लगाने की वहाँ पे जरूरत पड़ रही है, आप उसे हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाओगे, सेंटेंस सेट हो जाएगा, ओके। मैंने लिखा, अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा डू आई प्ले, इसका मतलब है डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये थोड़ी अच्छा सा यहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट मिलेगा, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। अब मैंने आपसे पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि डू यू प्ले, आप क्या बोलोगे, मैंने आपसे पूछा डू यू प्ले कि क्या आप खेलते हो, आप सिर्फ यस और नो में आंसर दोगे। तो जब भी आपको लगेगा कि यार हमें आंसर यस और नो में देना है, हमेशा आप वहाँ पे नॉर्मल जो ये वाला स्टेटमेंट था वही लगाओगे, यहाँ पे आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं करते हो, भले यहाँ पे सेंस आ रहा है कि क्या आप खेलते हो, क्या आ रहा है, आप यहाँ पे व्हाट का यूज़ नहीं करोगे, व्हाट डू यू प्ले, आप ये नहीं करोगे यहाँ पे यूज, समझ रहे हो, ये लॉजिक समझ आया कि डू आई प्ले, क्या आप खेलते हो, आप यस और नो में आंसर दे पा रहे हो। लेकिन अब मैंने फिर बोला व्हाट डू आई प्ले, इसका सेंस है यहाँ पे आप क्या खेलते हो, अब आप सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, अब आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली का ये फंडा है, इसको जरा आपने माइंड में रखना, मजा ही आपको आएगा, ठीक है। फिर लिखा व्हेन डज राहुल कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है, राहुल अपना काम कब खत्म करता है, ठीक है, व्हेन डज राहुल कंप्लीट हिज वर्क, क्लियर है बात। ये हो गया आपका किसका इंटरोगेटिव, लास्ट है इसमें आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव। इस तरीके से हम हर एक टाइप में ऐसे ऐसे करते जाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी होगा, नॉट का यूज भी होगा। अब वो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ जाएगा, जैसा कि आपका नेगेटिव में था वो आपके फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन आपको पता है डज का यूज करता है, डज राहुल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, क्या राहुल स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, वाई डू दे नॉट प्ले, वो क्यों नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे स्टेटमेंट यहाँ पे बनने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, जो डब्ल्यू एच फैमिली था वो भी आपका पहले आ गया। एक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें सेट हो जाए, वरना इसमें तो कई सारे, अब देखो रूल वूल अलग वे होते हैं, ये मैं आपको जस्ट एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अब वो आगे भी जहाँ पे थोड़ी बहुत आपके लेवल का होगा मैं बता दूंगा, बाकी इसमें भी कई सारे रूल होते हैं कि जब ऐसा सेंटेंस हो तो क्या करोगे, जब कहीं पे दो सेंटेंस मर्ज हो गए अलग अलग टेंसेस के तो क्या करोगे, वो अलग अलग मैटर है, वो काफ़ी थोड़ी ऊपर का रहता है, ट्राई करूंगा फिर भी जितना हो सके। जैसे एक छोटी सी बात मैंने आपको यहाँ पे बताया, नोट करना है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट, अब क्योंकि हम यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव हमने यहाँ कंप्लीट करे, चार टाइप हमने देखे, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा कि इसका पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव का, फिर इंटरोगेटिव का, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी ध्यान रखना, इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें हमने जनरली देखा कि सर डू और जो डज होता है, डू डज जो होता है ना, हम उसे कहाँ पे यूज करते थे, सिर्फ नेगेटिव में करते थे, नॉर्मल सेंस पे हमने देखा। अगर हम उसे पॉजिटिव मैं भी यूज कर रहे हैं डू और डज हेल्पिंग वर्ब को, उसका सेंस वहां पे इम्फेटिक होता है, इम्फेटिक मतलब हम वहां पे उस सेंटेंस पे थोड़ी जोर दे रहे हैं। एक तो मैंने आपको नॉर्मल बोला, ठीक है, मैंने आपको नॉर्मल बोला आई नो इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश जानता हूं। अब मैंने बोला I do know English, ठीक है। अब इसका यहाँ पे हमने जब do का यूज करा, I do know English, ठीक है, इसका क्या सेंस यहाँ पे हो गया, ये जोर दे रहा है कि हाँ भाई मैं भी जानता हूँ भाई, ठीक है, सिर्फ तू नहीं जानता, मैं भी जानता हूँ, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे लिखा है यू टेल ए लाई, ठीक है, कि तुम झूठ बोलते हो यार। अब यहाँ पर यू डू टेल आई, इसका मतलब ये बहुत झूठा है, समझ रहे हो। तो डू वहाँ पे इम्फेटिक थोड़ी जोर देता है सेंटेंस पे, ओके, ये भी आप लोग थोड़ी माइंड में रखना। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, अब हम कौन सा कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अभी इंडेफिनिट आपका कंप्लीट हो गया, अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो अभी हो रहा है, जैसे मेन वर्ब के साथ क्या कर रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे वो खेल रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। इसमें भी हम सबसे पहले उठाएंगे आपका क्या, पॉजिटिव वाला हम यहाँ पे उठाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, थोड़ी नेक्स्ट चीज आपको पता चलेगी, स्ट्रक्चर है यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव में हमेशा पता है नॉट का यूज नहीं होगा, एक नॉर्मल स्टेटमेंट आपको बताई जाएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है जो बता रही है कि उसकी स्टेट क्या है, इज एम आर, ठीक है, सब्जेक्ट की स्टेट क्या है, इज एम आर। यहाँ पे ध्यान रखना इज का यूज किसके साथ होता है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपका ही हो गया, जैसे आपका शी हो गया, इट हो गया, या कोई आपका नाम हो गया, ठीक है, इनके साथ आप किसका यूज करोगे, इज का यूज करोगे। ओके, फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप एम का यूज करोगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही है आई। ओके, ऑल अदर सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट बचे उनके साथ आप यू का यूज करोगे, जैसे आपका यू आर का यूज करोगे, जैसे यू हो गया, दे हो गया, जो भी आपके क्या होंगे, जो भी आपके क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट आपको पता है सिंगुलर प्लूरल क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। हमें अब मैं बार बार बोलूंगा ही सी इसके साथ वो कर लो, आप कंफ्यूज जाओगे। मैंने बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको पता है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, ठीक है, तो आप इसका यूज करोगे। ओके, ठीक है सर, जैसे लिखा राहुल इज गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ पे गोइंग आ गया, ठीक है, ये क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे हम वी फोर फॉर्म भी कहते थे, आपने देखा होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल है, इज हेल्पिंग अब आ गई, पता चल गया हमें प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट का है, ठीक है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, उसके साथ हमने आईएनजी देखा, हम श्योर हो गए कंटीन्यूअस का है, ठीक है, ये काम अभी हो रहा है कि राहुल स्कूल जा रहा है। आई एम ईटिंग बनाना, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, समझा स्ट्रक्चर दिख रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी का यूज करा, और इन द पार्क ऑब्जेक्ट वाला हो गया, बस सिंपल है स्ट्रक्चर, ठीक है। इनडेफिनिट में ये थोड़ा हौचपौच है वहाँ पे ना, बाकी सारे आप सिंपल आते हैं, थोड़ा इनको ध्यान रखना, ये आप पहले से यूज करते आ रहे हो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी बता देना, कोई इशू नहीं है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब हम नेगेटिव का यूज करेंगे, बस हर जगह हम यही करते आ रहे हैं। नेगेटिव में सिंपल है, सब्जेक्ट है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद नॉट लगा दो, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, उन्हीं को देख लेते, ये चीज़ आपको पहले से क्लियर हो गई अब, ठीक है। राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट ईटिंग बनाना, They are not playing in the park. Not not का यूज हो गया कि वो राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, मैं बनाना नहीं खा रहा हूँ, वे पार्क में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखो दे के सामने किसका यूज करा, आर का यूज करा, क्यों, क्योंकि दे क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। राहुल क्या था, फर्स्ट, ये भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसका यूज हुआ। आई क्या था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, एम का यूज हुआ, देख रहे हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एम का यूज। इसको थोड़ा सा आपको, जिसको ये चीज़ क्लियर नहीं है उसको ये देखना पड़ेगा यार जरा, ठीक है, उसको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। फिर हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगी, या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा, ठीक है, इज एम आर स्लाइस लिखा है, इसका मतलब पहले आएगा वो, ठीक है, स्लैश जो भी होता है वो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को हमेशा पहले ले आओ, अब राहुल है, थर्ड पर्सन है, तो इसका यूज होगा, इज राहुल गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे हमने गोइंग करा, ठीक है, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है, वी फोर भी आप इसे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आप इसे कहते हो, इज राहुल गोइंग टू स्कूल, क्या राहुल स्कूल जा रहा है, ठीक है। एम आई ईटिंग बनाना, आर दे प्लेइंग इन द पार्क, वैसा मार्क, वैसा मार्क। देखो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगी, जो भी इंटरोगेटिव होंगे हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगी, अगर डब्लच वर्ड होगा वो हेल्पिंग वर्ब से थोड़ी पहले आ जाएगा। आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग का मतलब है क्या आप खेल रहे हैं, आप बोलोगे हाँ या ना, आप बोलोगे व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो, आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो डब्लच फैमिली का जो वर्ड होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, चीज आपको समझ आ गई। ओके सर, क्लियर हो गया ना, नोट कर लिया, देख लो, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है, बस इस तरीके से करना है, इजी है यार, एक बार फ्लो बना लो बस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्वेश्चन भी है, नॉट भी है, आपको पता क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगी, नॉट है तो नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, बाकी आपको पता है कंटिन्यूअस है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ओके, ये फंडा तो आपको क्लियर हो ही गया। इसमें भी आपको दिख रहा है इज राहुल नॉट गोइंग टू स्कूल, इज राहुल नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट का आ गया। एम आई नॉट ईटिंग बनाना, आर दे नॉट प्लेइंग इन द पार्क, व्हाई आर यू नॉट गोइंग स्कूल यार, ठीक है, Why are you not reading? ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है, बस वहाँ पे ing form आनी चाहिए अगर continuous हो तो। अब आपको clear हो गया होगा, अब आपको समझ आ गया होगा, सर ये तो normal चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं present perfect tense की, अभी हमने present indefinite देखा, continuous देखा, अब हम perfect देख रहे हैं। perfect में क्या है, काम हो चुका होगा, main verb के साथ रहा है, चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है, दिया है, ये sense आएगा, काम हो चुका है ऐसा समझ लो, ठीक है। जैसे मैं लिखा राहुल has gone to school, राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल स्कूल गया है, जा चुका है, समझे इस तरीके से। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी भाई। अभी तक देखो प्रेजेंट इनडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी आपकी, डू और डज थी, ठीक है, पॉजिटिव वाले में नहीं थी। हमने फिर आपका कंटिन्यूअस देखा, उसमें हर किसी में क्या थी, या तो इज था, या तो एम था, या तो आर था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज हो रहे थे। अब
परफेक्ट टेंस में आपका जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो हमें बता रहे कि उसकी स्टेट क्या है, कैसा है, वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, ठीक है, कैसा सब्जेक्ट है, तो ये हैज और हैव आता है। हैज का यूज होता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सब के साथ आपका हैव का यूज होगा। और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि भाई अगर आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे क्या लगा लो, सिंगुलर वर्ब लगा लो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा लो, वो चीज भी हमने देखी थी, ठीक है। लिखा राहुल हैज गॉन टू स्कूल, राहुल हैज है आ गया ना, हैज, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर था, वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई गॉन, क्योंकि देखो गो आपने देखा होगा, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया, गॉन वेंट का मतलब गया, गॉन का मतलब क्या हो गया, वो जा चुका है, ठीक है, वो आपकी थर्ड फॉर्म जा चुका है, ठीक है, ओके। फिर देखो इसमें आई हैव प्लेड, ठीक है, मैंने खेला है, ठीक है, या मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, हैव का यूज हुआ। अब तो आपको क्लियर हो रही है चीज़ें, है ना, वी हैव सीन इंडिया गेट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ करके सबके साथ हैव का यूज होता है, तो वी के साथ भी हैव आया, वी हैव सीन इंडिया गेट, हम इंडिया गेट देख चुके हैं, ठीक है, हमने देखा है, ओके। चलो भाई नेगेटिव का बनाएंगे, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट है, हैज हैव है, नॉट है, वो आपके थर्ड फॉर्म, बस वो जो पॉजिटिव का है उसी में हमने नॉट फिट कर दिया, आपका नेगेटिव बन गया, ये आपको पता ही हो गया। अब राहुल हैज नॉट, अब देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया पॉजिटिव का, अब आप नेगेटिव का खुद बना पा रहे होंगे सेंटेंस, अब बन गया ना, फ्लो बन गया ना, बस वही तो बोल रहा था, 5 मिनट दो स्टार्टिंग के, बाकी हो जाएगा सारा, ठीक है। आई हैव नॉट प्लेड, वी हैव नॉट सीन इन इंडिया गेट, सी हैज नॉट टेकन हर डिनर, ठीक है, सीन थर्ड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म, टेकन थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है, कंप्लीट हो चुका है काम, सी हैज नॉट टेकन हर डिनर, उसने अभी तक अपना डिनर नहीं लिया है, ठीक है, ओके। फिर हम इंटरोगेटिव पे आते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जो भी वहाँ पर रही होगी, हैज पहले आ गया, सब्जेक्ट है वो आपकी थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, ये फंडा तो आपको पता ही है, हैज राहुल गॉन टू स्कूल, क्या राहुल स्कूल नहीं गया है, ठीक है, क्या राहुल स्कूल नहीं गया है, परफेक्ट में है, भले क्वेश्चनिंग हो रही है, ठीक है। हैव आई प्लेड, क्या मैंने नहीं खेला है, ठीक है। हैव वी सीन इंडिया गेट, क्या हमने इंडिया गेट देखा है, देखो इसमें आपका हमेशा देखो हैव हैव हैज हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, ठीक है। अगर हैव यू सीन, आपने देखा है, आप हाँ या ना बोलोगे, व्हाट हैव यू सीन, आपने क्या देखा है, आपको आंसर देना पड़ेगा कि वो देखा है, इसलिए हमने यहाँ पर डोबलेज फैमिली को लगा लिया, डोबलेज फैमिली हमेशा हैज हैव से, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले आएंगे, इंटरोगेटिव भी आपके यहाँ पे फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम इंटरोगेटिव नेगेटिव, अब आप इजीली कर पा रहे हो, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा ना आप कर लोगे कि सर इसमें हमने नॉट का यूज भी करना है, क्वेश्चनिंग भी करनी है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है, और वहाँ पे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, ये फंडा आपको क्लियर है, थर्ड पर्सन के साथ हैज, बाकी जो भी पर्सन हो उसके साथ हैव। अब क्वेश्चन पूछा हैज राहुल गॉन टू स्कूल, अब नेगेटिव करना था, नॉट भी लगा दिया, हैज राहुल नॉट गॉन टू स्कूल, हैव आई नॉट प्लेड, हैज ही नॉट फिनिश्ड द वर्क, व्हाई हैज राहुल नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो ये सारे आपको देखो डोबलेज फैमिली का सीधे हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, इतना ध्यान रखना है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, फिर हमने कंटीन्यूअस देखा, फिर परफेक्ट देखा, अब लास्ट हम यहाँ पे प्रेजेंट का देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये परफेक्ट है, काम हो भी चुका है और हो भी रहा है। इसमें वेन, अब इसके ध्यान से देखने, इसका रिकॉग्निशन आप कैसे करोगे, इसमें मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ये आएगा कि वो काम हो रहा है, प्लस इसमें एक टाइम पीरियड आपको दिया होगा, एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया होगा, ठीक है। समय के साथ से का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, अगर मैं हिंदी उसकी मीनिंग देखूँ आपको वहाँ पे से का सेंस आएगा, या इंग्लिश में सिंस और फॉर। अब यहाँ पे एक नई चीज़ फिर आपको समझनी पड़ेगी, हमने बोला सब टाइम के साथ वहाँ पे से का यूज होता है, से को हम कहते हैं सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस फॉर का यूज होगा, ये समझ लो, सिंस फॉर इसका सेंस होता है से, ठीक है। अब देखो सिंस का यूज कहाँ करोगे, फॉर का यूज कहाँ करोगे, सिंस का यूज करोगे आप पॉइंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर टाइम, अगर कहीं पे आपको देखा कि यह बिल्कुल फिक्स टाइम है, फिट टाइम है, ठीक है, कि ये टाइम सिर्फ इसी दौरान होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है ये टाइम, जैसे मैंने बोला रात, रात तो फिक्स है ना, रात तो आपके माइंड में आ जाते हैं, यहाँ पे उस टाइम रात होती है, मैंने बोला सुबह, सुबह का एक प्रॉपर टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम है ना, एक पॉइंट है टाइम का फिक्स, ठीक है। अगर मैंने बोला 2 बजे, अब आप कंफ्यूज होगी ना, यार ये 2 बजे, ये सुबह वाले 2 बजे हैं, दोपहर वाले 2 बजे हैं, या रात वाले 2 बजे हैं, जो भी 2 हैं। अगर मैंने बोला 12 बजे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रात की 12 बजे हैं या दिन के 12 बजे हैं, तो ये एक ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे हम फिर फॉर का यूज करते हैं, जहाँ पे टाइम फिक्स
नहीं है, वहाँ पे आप किसका यूज करोगे, फॉर का। जहाँ पे टाइम फिक्स है वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, जैसे लिखा है सिंस 2 AM। अब यहाँ पे AM लिखा है ना, AM से आपके माइंड में चीज क्लियर हो रही है, ये सुबह वाला है या रात वाला, जो आपको समझ है। 2 PM दोपहर वाला है, 2 o'clock, o'clock भी यहाँ पे फिक्स टाइम दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यार एक तो हमें यहाँ पे 2 o'clock से क्लियर नहीं हो रहा, या तो वहाँ पे बताया होगा PM AM बताया होगा, ठीक है। ओके, सिंस 1986 या 2008। अब मैंने लिखा है 1986, फिक्स ईयर है ना, 1986 फिक्स ईयर है कि 1986 में उस टाइम है, आपके माइंड में आ जाती है कि उस टाइम है, तो सिंस का यूज करेंगे। सिंस मंडे, मंडे फिक्स है, मॉर्निंग फिक्स है, चाइल्डहुड फिक्स है, बर्थ फिक्स है, तो जो भी प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का यूज करेंगे। बाकी जो पॉइंट नहीं होगा, जो एक ड्यूरेशन होगा, एक पीरियड होगा, वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसे लिखा है फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 मंथ, 2 ईयर। इससे क्या मुझे प्रॉपर एक पॉइंट का टाइम पता चला। मैंने बोला 2 सेकेंड, भाई कौन से वाले 2 सेकेंड, अभी वाले, बाद वाले, रात वाले, दोपहर वाले, सुबह वाले, पता नहीं चल रहा, तो फॉर का यूज होगा। 2 मिनट, पता नहीं चल रहा है। 2 ईयर, कौन से 2 ईयर, अभी वाले, लास्ट ईयर 2 ईयर, या 2000 के बाद वाले, 2002, कौन से 2 ईयर, क्लियर नहीं है, फॉर का यूज करेंगे। फॉर ए लॉन्ग, काफ़ी देर से, फॉर ए वाइल, ठीक है, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी ईयर्स, इनमें आप किसका यूज करोगे, यहाँ पे फिक्स नहीं, फॉर ए लॉन्ग, काफ़ी देर से, फॉर ए वाइल, कुछ देर से, जो भी आपको देखना है, फॉर मैनी डेज, ठीक है, कई दिनों से, फॉर मैनी ईयर, कई सालों से, फिक्स पता नहीं चल रहा है कौन से साल की बात हो रही है, कौन से देर की बात हो रही है, फॉर का यूज करोगे। क्लियर भी बात, सिंस प्रॉपर फिट टाइम के लिए। आपने देखा होगा कहीं भी आप दुकान में गए होंगे ना, जो शॉप वगैरह होती है, उन पे बोर्ड पे भी कभी कभार लिखा होता है, कोने में ऐसा लिखा होता है, जैसे कि सिंस 2006 लिखा होगा, या कहीं पर लिखा होगा सिंस 1996 लिखा होगा। इसका मतलब है कि ये दुकान तब से चली आ रही है, प्रॉपर टाइम है कि तब स्टार्ट हो गई थी और अभी तक वो चल रही है, ठीक है। अब हमने बोला इसका सेंस होता है समय के साथ सही, ठीक है, सिंस 2005 कि 2005 सही। ओके, चलो अब क्लियर हो गया, ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट पॉजिटिव में। हमने उठा ले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, एक बारी पॉजिटिव का स्ट्रक्चर अपने माइंड में रख दो, क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज बीन, हैव बीन, इसको भाई माइंड में रखना है। हर किसी स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होती है, हैज बीन हो गया, हैव बीन हो गया, ठीक है। हैज हैज है तो समझ जाओगे थर्ड पर्सन के साथ, हैव है बाकी सबके साथ, ओके। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, आप थोड़ी बताओ कि सर जो हेल्पिंग वर्ब थी हैज और हैव वो कहाँ पे आती थी, बोलोगे सर वो परफेक्ट में आती थी, तो परफेक्ट भी आ गया। बोलोगे सर जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वो कहाँ पे आता था, वो कंटिन्यूअस में आता था, तो वो भी यहाँ पे आ गया। दोनों को हमने मर्ज कर लिया और दोनों को मिक्स होने के बाद वहाँ पे प्रॉपर टाइम भी हमें बताना था, तो सिंस और फॉर का यूज करोगे। अगर टाइम होगा तो वहाँ पर टाइम लगाओगे, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हैज बीन या हैव बीन आएगा, फिर आपकी वर्ड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर या तो सिंस का यूज करोगे या फॉर का यूज करोगे, और बाद में टाइम। कहीं पे सिंस फॉर नहीं भी यूज करोगे, चीज हमें अंडरस्टूड हो जाती है कि वहाँ पे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, अगर हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा तो, ठीक है। देखो मैंने लिखा राहुल हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब मैंने यहाँ पे कई बार आपको यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए फॉर भी लिखा होगा कि राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर मॉर्निंग, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग एक पर्टिकुलर टाइम है, सिंस का यूज होगा, ठीक है। अब देखो राहुल थर्ड पर्सन था, हैज़ बीन का यूज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैज़ बीन प्लेइंग, इसका मतलब है कि वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि कंप्लीट भी हो गया और चल भी रहा है, ठीक है। राहुल हैज बीन प्लेइंग, अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखूँ ना, इतना राहुल हैज बीन प्लेइंग, तो हम समझ जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब भले हमें वहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, कहीं पे अगर ऐसा भी लिखा होगा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, उसका सेंस वही है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखो 2 आवर क्या है, कोई पता नहीं है कि मैं कौन से 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, सुबह वाले कर रहा हूँ, दिन वाले कर रहा हूँ, इसलिए हमने फॉर का यूज करा। पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा, फिक्स टाइम नहीं होगा, फॉर का यूज करोगे। ओके, He has been working there since 2015. Fix at 2015, since का यूज करा, he के साथ has been आया, it has been raining since Monday, ठीक है, it has been raining since Monday, कि ये मंडे से भाई बारिश हो रही है, ठीक है। अब I के साथ हमने have been का यूज करा, क्योंकि I थर्ड पर्सन है नहीं, I तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन को छोड़ करके सबके साथ have been का यूज करोगे। पॉजिटिव का भी आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, सब अंडर कंट्रोल चल रहा है।
सब अंडर कंट्रोल चल रहा है। यस सर, चलो पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, नेगेटिव की। नेगेटिव क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। अभी तक हमने देखा कि जो आपकी हेल्पिंग वाब हुआ करती थी, ठीक है, जो क्या आपकी हेल्पिंग वाब हुआ करती थी, उसमें हमने क्या देखा, एक एक वर्ड के हेल्पिंग वाब थे, ठीक है। जैसे हो गया आपका क्या, हैज था, डू था, डज था, हैव था, एक एक वर्ड थे। आपके कंटिन्यूअस में क्या हो गया, दो वर्ड हो गए, एक बन गया आपका क्या, हैज बीन, ठीक है, दो वर्ड आ गए, एक बन गया आपका क्या, हैव बीन। तो जब भी आप इनका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाओगे, आप इनको ब्रेक कर देना, ठीक है। इसके बीच लग जाएगा नॉट, इसके बीच लग जाएगा नॉट, अलग से मत लगाना उनके पीछे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हमने यहाँ पे हैज हैव करा, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट बीन, हैज बीन के बीच में हमने नॉट लगाना है, ठीक है। हैज थर्ड पर्सन के साथ आएगा, बाकी सबके साथ हैव आएगा, नॉट बीन वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। देखते हैं, मैंने कहा राहुल हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे हम कि राहुल हैज बीन नॉट प्लेइंग, वो गलत हो जाएगा। हमेशा जो आपके दो वर्ड वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उनके बीच में नॉट लगा लेना, ठीक है। आगे भी हम देखेंगे, जैसे विल बी आएगा फ्यूचर में, विल हैव आएगा, उनके बीच हम लगा लेंगे नॉट, ओके। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे हैज आया, यहाँ पे हैव आया, ही हैज नॉट बीन वर्किंग देयर सिंस 2015। क्लियर हो गया, समझ रहे हो स्टेटमेंट, समझ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने पॉजिटिव कर दिया, सॉरी नेगेटिव कर दिया। अब हम इंटरोगेटिव करेंगे। इंटरोगेटिव में क्या आएगा, हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, फिर बोल रहा हूँ हैज बीन, हैव बीन है, पूरे को मत ले आना, ब्रेक करके ले आना, ठीक है। हैज हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है, ठीक है, जो कि आपका नेगेटिव होता है। फिर बीन हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ओके। लिखा है हैज राहुल नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, हैज राहुल नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्या राहुल सुबह से नहीं खेल रहा है, ठीक है। हैज राहुल नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गया। हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, ये इंटरोगेटिव था, ये आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। क्लियर हो गई बात, नॉट का यूज आप बीन से पहले करोगे, ठीक है, और यहाँ तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा पहले आएगी, डब्ल्यूएच फैमिली करोगे तो वो पहले आ जाएगा आपका हमेशा, ओके। यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो गया होगा, इंडेफिनिट भी आपको क्लियर है, कंटिन्यूअस भी आपको क्लियर है, ठीक है, जो भी हमने करे, फिर परफेक्ट ही कंटिन्यूअस, हर टेंसेस के हमने यहाँ पे 4000 टाइप करे। होप यार ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ भाई। सिंपल फंडा हम लोगों का चल रहा है, सिंपल फंडा हम लोगों का चल रहा है। ये था आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको थोड़ी दिमाग लगाना, इनको स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, वैसे तो बहुत सारे ही इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल वूल होते हैं, फिर भी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर कभी आपके सामने इस तरीके की स्टेटमेंट आए, आप लोग समझ जाएं कि हाँ यार वहाँ पे ऐसा भी हुआ करता था, ठीक है, बाकी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखा है सर्टेन वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, सर्टेन वर्ब्स ओनली यूज इन इनडेफिनिट एंड परफेक्ट टेंस, वो कंटिन्यूअस में नहीं आती हैं, ठीक है, वो सिर्फ इनडेफिनिट और परफेक्ट में आएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में नहीं आएगी। जैसे क्या है, सेंस वर्ब, कुछ ऐसी जो वर्ब सेंस वाली होती है, जैसे सी, बी, आई, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, कुछ इमोशन वर्ब होती है जैसे वांट, डिजायर, केयर, हेट, लव, इमोशंस वगैरह दिख रहे हैं। थिंकिंग वर्ब जैसे रियलाइज, नो, बिलीव, बिलोंग, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, जिसमें थोड़ी सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो कभी इस तरीके की वर्ब होती है तो उनको हम कंटिन्यूअस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते, कोई भी टेंस हो वो, ठीक है, हम उसे सिर्फ इंडेफिनिट और परफेक्ट में ही यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होगा तो बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओके। देखो यहाँ पे लिखा है ही इज नोविंग देम, मैंने लिखा ही इज नोविंग देम तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ही इज नोविंग देम ये कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि यहाँ पे इज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ठीक है। हमने ये सेंटेंस नहीं बनाना है, हम इसको ऐसे बनाएंगे ही नोज देम, हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया, ठीक है, ही नोज देम। जैसे लिखा है आई हैव बीन नोविंग हिम फॉर 2 ईयर, ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आई हैव बीन नोविंग देम फॉर 2 ईयर, यहाँ पे हम नोविंग नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे आई हैव नोन हिम फॉर 2 ईयर, हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाया, हमने इसे नॉर्मल परफेक्ट में बनाया, ठीक है, इंडेफिनिट ऑफ परफेक्ट में, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, ठीक है, थोड़ा इतना दिमाग लगाना, ओके। सी हैज बीन बिलोंगिंग टू दिल्ली फॉर लास्ट 2 ईयर, वो दिल्ली से बिलोंग कर रही है, हम यहाँ पे हैज बीन बिलोंगिंग, हमने यहाँ पे बिलोंग भी लिखा होगा, बिलोंग भी लिखा होगा, परेशान मत होना, नहीं होगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे आगे, ओके।
तो ये कैसा होगा, शी हैज़ बिलोंग टू दिल्ली फॉर लास्ट 2 ईयर. हमने इसे इसे कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाना है, ठीक है. हमने इनडेफिनिट या परफेक्ट में बनाना है, ठीक है. अब ये कहीं ना कहीं परफेक्ट ही हो रहा है कि वो दिल्ली में 2 साल से रह रही है, तो हम यहाँ पे परफेक्ट का यूज करेंगे. शी हैज़ बिलोंग टू दिल्ली फॉर लास्ट 2 ईयर, ऐसा होगा तो ये चीज़ नहीं होती है, बोला जाता है कि रूल के खिलाफ है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा. क्लियर है बात, यहाँ तक सबको समझ आई. तो ये पूरा का पूरा फंडा था आपका किसका, प्रेजेंट का. क्लियर हो गया, प्रेजेंट के हमने यहाँ पे चारों देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ. इसको एक बार पूरा रिकॉल कर लो, पूरे अपने माइंड में इसको फिट कर लो. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी हम इसको कहते हैं. जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना, तो उसे हमने क्या बोला था, सिंपल प्रेजेंट बोला था. पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं. इसके रिकॉग्निशन क्या है कि जो आपके मेन वर्ब होती है उसके साथ लिया, दिया, गया, आया, ली दिया. अगर मैं आपको हिंदी में थोड़ी सेंस बताऊँ, ऐसा सेंस आएंगे इन सेंटेंस में, ठीक है. मतलब वो काम कहीं ना कहीं हो गया है लेकिन प्रॉपर हमें पता नहीं है वो कब हुआ है. मतलब हो गया था वो लेकिन प्रॉपर पता नहीं है कब हुआ था. समझ रहे हो बात को, इस बात को समझ रहे हो ना. तो वो पास्ट में है, मतलब प्रेजेंट की बात हो ही नहीं है, पास्ट की बात हो रही है लेकिन वो प्रॉपर टाइम नहीं पता कब होता, ठीक है. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पॉजिटिव की बात करूं, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखना. यहाँ पे जो पॉजिटिव बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, V2 फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है. जैसे लिखा हर सब्जेक्ट के साथ, ये मजे की बात है, हर सब्जेक्ट के साथ बोला था ना, प्रेजेंट जो आपके प्रेजेंट टेंस हैं उनमें ही थोड़ी हौच-पौच वाला मामला है, आगे आप नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है. जैसे राहुल वेंट स्कूल, आई एंजॉयड द गेम, ही गेव मी गिफ्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज करोगे. वेंट एंजॉयड गेव, गो वेंट गॉन, एंजॉय एंजॉयड एंजॉयड, गिव गेव, ठीक है. क्लियर हो गया, सबको बात समझ आई, नॉर्मल है पॉजिटिव वाला. इसका हम नेगेटिव बनाएंगे. जैसे आप नेगेटिव बनाओगे, ध्यान रखना इसमें एक हेल्पिंग वर्ब आएगी जो होगी आपकी डिड, मजे की बात, हर सब्जेक्ट के साथ आप डिड का यूज करोगे. राहुल डिड नॉट गो टू स्कूल, He did not give me a gift. अब आ रहा है ना मजा, क्या दिक्कत है बताओ. Present indefinite, past indefinite आपने उठाया, एक बार आपने positive का structure mind में रख दिया कि subject, verb की second form, object. ध्यान रखना इसमें did का use करोगे, लेकिन 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 verb की first form आ जाएगी जब negative बनेगा. अभी तक positive में क्या था, verb की second form थी, यहाँ पे verb की first form आएगी. Rahul did not go to school, यहाँ पे हमने क्या करा था, Rahul went to school, ठीक है, went बोल दिया था, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या करा, did not go ही आ गया, फिर वो आपके फर्स्ट फॉर्म ही आए, ठीक है. He did not give, वो आपके फर्स्ट फॉर्म आए. याद रखोगे, रखेगा रखोगे माइंड में इस चीज को, ओके. फिर हम बात करेंगे इंटरोगेटिव में, तो हेल्पिंग का पहले आएगी डिड, फिर सब्जेक्ट, वो आपके फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, जैसा चलता आ रहा था. डिड राहुल गो टू स्कूल, डिड यू से, व्हाट डिड यू से, डिड यू से, आपने कहा, आप आया ना बोलोगे, ठीक है. व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, आपको बताना पड़ेगा. ये डोबलेज फैमिली वाला आ गया, ओके. सिंपल है ना, आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके. सर नेगेटिव इंटरोगेटिव भी देख लो, इसमें नेगेटिव भी होगा, क्वेश्चनिंग भी होगी. इंटरोगेटिव है, क्वेश्चनिंग है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहला आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. डिड राहुल नॉट गो टू स्कूल, डिड ही नॉट गिव मी अ गिफ्ट, व्हाई डिड राहुल नॉट गो टू स्कूल, राहुल स्कूल क्यों नहीं गया, पास्ट की बात हो रही है, क्यों नहीं गया था, समझ रहे हो, ओके है. पास्ट इंडेफिनिट का फंडा क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, चार चीज़ें हमने कर ली. सिंपल आपको समझ भी आ गया होगा, एक स्ट्रक्चर पकड़ना है, थोड़ी उसमें हमने रीअरेंज करना है. अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ठीक है. कंटिन्यूअस मतलब ये पास्ट में था और काम हो ही रहा था पास्ट में. इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी वाज वर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप वाज का यूज करोगे, बाकी सबके साथ वर का यूज करोगे. सॉरी, इसमें थर्ड हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, तो आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वाज, जो प्लूरल होंगे उनके साथ वाज, सिर्फ थर्ड पर्सन नहीं, जो भी होंगे सबके साथ, जो भी होंगे सबके साथ आप किसका यूज करोगे, वर अगर वो प्लूरल होगा, वाज अगर वो सिंगुलर होगा, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. हमेशा कंटिन्यूअस में आईएनजी वाली फॉर्म आती है, V4 फॉर्म हम जिसे कहते हैं, ठीक है. राहुल वाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज प्लेइंग, दे वर डांसिंग. देखो वाज सिंगुलर सब्जेक्ट है राहुल, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, वर प्लूरल सब्जेक्ट है दे, इसके साथ वर का यूज हुआ, ओके. अगर कहीं पे देखो, जनरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद पास्ट इंडेफिनिट, जनरली बोल रहा हूँ, जनरली मतलब जो नॉर्मल केसेस होंगे या ज़्यादातर केसेस होंगे, जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है, पास्ट कंटिन्यूअस कभी अकेले नहीं आता, ये है मेरा कहने का मतलब. समझाने के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर तो समझा दिया.
लेकिन नॉर्मल केस में हम देखें जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस होगा वो हमेशा इंडेफिनिट के साथ ही रहता है। जैसे मैंने लिखा व्हेन हिज मदर एंटर्ड द रूम ही वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है, ये इंडेफिनिट है कि व्हेन हिज मदर एंटर्ड, अब देखो पॉजिटिव है एंटर्ड सेकेंड फॉर्म आ गई, ठीक है, व्हेन हिज मदर एंटर्ड द रूम ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था, ये तो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया आपका क्या पास्ट कंटिन्यूअस कि जब उसकी मम्मी अंदर रूम में एंटर हुई वो टीवी देख रहा था, ओके ही वॉज वॉचिंग टीवी, समझ रहे हो बात को, जनरली ऐसा होता है, ये समझाने के लिए मैं स्ट्रक्चर समझा दिया, होता ऐसा है, ओके मतलब दोनों मिक्स रहते हैं, वो कंटिन्यूस अकेला नहीं रहता नॉर्मल केस में, ओके ये हमने पॉजिटिव कर दिया। अब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सिंपल ऐसा सब्जेक्ट वॉज वर्क के बाद नॉट लगा देना वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका तो आ ही जाएगा, ठीक है, सिंगुलर के साथ वॉज प्लूरल के साथ वर्क, राहुल वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट डांसिंग, थर्ड ये आपका थर्ड ये क्या था थर्ड पर्सन प्लूरल था, जो भी हो प्लूरल होगा तो वर का यूज करोगे, सिंगुलर होगा तो वॉज का यूज करोगे, बन गया फ्लो। नेक्स्ट देखो फिर आपका इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा लिया, वॉज वर्ब को पहले उठा लिया, फिर आपका सब्जेक्ट वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, वॉज सिंगुलर वर प्लूरल, वॉज राहुल गोइंग टू स्कूल, वॉज आई प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, व्हाट वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला वर यू प्लेइंग, आप क्या खेल, क्या आप खेल रहे थे, क्या आप खेल रहे थे, आप बोलोगे हाँ मैं खेल रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वर लिखा है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे यू है, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो फर्स्ट कि वो वहाँ पे प्लूरल है कि सिंगुलर है, अब वो कॉन्टेक्स्ट मीनिंग की मीनिंग हमें पता चल जाती है, क्योंकि हमें पता है जो यू है यू आपका सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू ही होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी यू ही होता है, कहीं पर अगर मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूँ तो भी मैं यही बोलूँगा वर यू प्लेइंग, अगर मैं दो से पूछ रहा हूँ मैं यही बोल रहा हूँ वर यू प्लेइंग, ठीक है, क्योंकि यू आपका सिंगुलर प्लूरल यू ही होता है, तो सिंगुलर के साथ भी आप वही करोगे, प्लूरल के साथ भी आप वही करोगे, ठीक है, या कहीं पे चलो ठीक है यहाँ पे तो वैसे भी प्लूरल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ अगर कहीं पे आपको लगेगा कि यार सिंगुलर है तो आप वहाँ पे यू का वज का यूज कर लेना, ठीक है, वज का यूज आप वहाँ पे कर सकते हो कि वज यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे थे, समझ रहे हो बात को, क्लियर है बात, वज का यूज आप वहाँ पे कर लोगे, आई वॉज नॉट प्लेइंग, राहुल वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट प्लेइंग, यू वॉज नॉट प्लेइंग, ऐसा भी आप कह सकते हो आप नहीं खेल रहे थे, ठीक है, बाकी देख लेना जो भी वहाँ पे आपका होगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप वहाँ पे जा सकते हो, ओके क्लियर है, ओके चलो देखते हैं फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चनिंग भी होगी, नॉट का यूज भी होगा, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और आपका ऑब्जेक्ट, सिंपल है, इसमें कोई आपकी दिक्कत वाली बात भाई है ही नहीं, ओके चलो सर, वॉज राहुल नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज आई नॉट प्लेइंग, अब तो इतना तो आपने खुद से कर लिया होगा क्योंकि हम बेसिक मीनिंग समझ गए हैं, स्ट्रक्चर हमारे माइंड में है, तो यहाँ पे आपका ऐसा चलेगा पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस, अब परफेक्ट में ध्यान रखना, एक तो परफेक्ट में हर जगह आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म आई और इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड है, हर किसी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा, राहुल हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू स्कूल, आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, वी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, ओके चलो नेगेटिव का देख लेते हैं, वही है सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद आपका नॉट हो जाएगा, ठीक है, राहुल हैड नॉट, आई हैड नॉट, वी हैड नॉट, सिंपल है, फास्ट तो नहीं आ रहा ज्यादा इसलिए चल रहा हूँ, नॉर्मल है, स्ट्रक्चर आपको दे दिया, पहले चीजें हमने समझ ली, अब हम आगे निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग में टाइम देना होता है गाइस, ठीक है, आप लोग समझते हो ना, कहोगे ना कि यार स्टार्टिंग में अभी तो हमने इतना ही करा, अभी हमने बहुत ही कम करा है, कब हमारा कंप्लीट होगा, जब आप कोई भी नई चीज़ पढ़ते होंगे आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, स्टार्टिंग में टाइम देना होता है, आगे चीज़ें अपने आप बहुत फास्ट वे में चलती हैं, समझ रहे हो बात को भाई, देखो जब आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो या आप अपनी साइकिल चला रहे हो, स्टार्टिंग में एकदम से तो तेज नहीं चलेगी ना, धीरे आप स्टार्ट करोगे, आप बाइक चला रहे हो धीरे धीरे अपना गियर चेंज करोगे, कार चला रहे हो धीरे धीरे गियर अप करोगे, एकदम से तो नहीं होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में उठने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आगे निकलोगे एकदम से रेस पकड़ लोगे, तो वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, फिर सब्जेक्ट, वो आपके थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हैड राहुल गोन टू स्कूल, हैड आई प्लेड, हैड यू सीन, व्हाट हैड यू सीन, ये आपका किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा, कि हैड राहुल गोन टू स्कूल, क्या राहुल स्कूल गया था, ठीक है, हैड आई प्लेड, क्या मैंने खेला था, हैड यू सीन, क्या आपने देखा था, व्हाट हैड यू सीन, आपने क्या देखा था, ओके इंटरोगेटिव आपका हो गया, अब नेगेटिव बोला तो आप सी से क्या कर दोगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज लगा लोगे, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव है, हैड तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब है ना, हैड राहुल नॉट गोन टू स्कूल, हैड आई नॉट प्लेड, हैड यू नॉट सीन द मूवी, ओके है,
आई भाई बात समझ में? तो ये था आपका किसका, पास्ट परफेक्ट का। लास्ट हम करेंगे पास्ट वाले का, क्या पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पास्ट, एक सेकेंड, परफेक्ट ही है ये। ठीक है, परफेक्ट टेंस में एक दो बात होंगी, ध्यान से देखना, थोड़ी समझने का ट्राई करना, नहीं भी समझोगे कोई दिक्कत नहीं, आगे हो जाएंगे क्लियर। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, अगर एक ही सेंटेंस में दो एक्शन होंगे पास्ट में, इफ टू एक्शन इन पास्ट, एक सेंटेंस है उसमें दो काम हो रहे हैं और पास्ट में हो रहे हैं, तो फर्स्ट कंप्लीट, जो पहला काम कंप्लीट हो रहा होगा उसे हम हमेशा परफेक्ट जो टेंस होता है, परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें करते हैं, और जो बाद में जो काम कंप्लीट हो रहा है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। समझ आया? मैंने बोला कि एक सेंटेंस है उसमें दो काम हो रहे हैं, पहले जो काम खत्म हो रहा है उसे हम परफेक्ट में करेंगे, बाद में जो काम खत्म हो रहा है उसे हम इंडेफिनिट में करेंगे। भले दो काम खत्म दोनों हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पहले खत्म होगा उसे परफेक्ट में, जो बाद में खत्म होगा उसे इंडेफिनिट में रखोगे आप। देखो मैंने लिखा द पेशेंट, ट्राई करना समझने का, द पेशेंट हैड फेंटेड बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल। इसका मतलब है कि द पेशेंट हैड फेंटेड, कि जो वहाँ पे रोगी था, जो पेशेंट था, वो बेहोश हो चुका था, ठीक है, डॉक्टर के पहुँचने से पहले। ठीक है, द पेशेंट हैड फेंटेड बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल, जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ पे जो रोगी था वो बेहोश हो चुका था। अब देखो द पेशेंट हैड फेंटेड, ठीक है, हमने यहाँ पे हैड लिखा, हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, तो ये वाला तो परफेक्ट बन गया। ठीक है, अब हमने बोला कि काम दोनों कंप्लीट हो रहे हैं, वो बेहोश भी हो गया और डॉक्टर हॉस्पिटल भी पहुंच गया, दोनों काम कंप्लीट हो गए, लेकिन पहले कौन कंप्लीट हुआ, पहले कंप्लीट हुआ फर्स्ट कंप्लीट, उसे परफेक्ट में, पहले कंप्लीट कौन हुआ, रोगी बेहोश हुआ, ये तो बोला है ना कि जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा उससे पहले जो पेशेंट था वो बेहोश हो चुका था, मतलब डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट बेहोश हो गया था, पहला काम कौन हुआ, पेशेंट बेहोश हुआ था। ठीक है, तो हमने उस वाले को पास्ट परफेक्ट में लिखा, और जो आगे नेक्स्ट वाला था द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रही होगी, बाकी नॉर्मल, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, समझे बात को। फिर देखो राहुल हैड फिनिश्ड बिफोर रवि बिगेन, ठीक है, कि राहुल ने काम की बात हो रही होगी, राहुल ने काम फिनिश करा जब रवि ने शुरू करा, है ना, मतलब रवि के शुरू करने से पहले ही राहुल ने खत्म कर दिया, पहले कौन हुआ, राहुल ने खत्म करा, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में, बाद में रवि शुरू कर रहा है या वो खत्म करेगा तो उसे हमने रवि बिगेन, बिगिन, बिगिन होती है फर्स्ट फॉर्म, बिगेन सेकेंड फॉर्म, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट पे आ गया। ओके सर, फिर है द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन आफ्टर ही हैड रीच। अब देखो ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, मतलब ट्रेन वहां से निकल चुकी थी जब वो वहां पहुंचा, जब वो वहां पहुंचा उसके बाद ट्रेन निकल चुकी थी। अब ध्यान से देखना, दोनों, एक तो वो वहां पहुंचा, काम हो गया, एक ट्रेन निकल गई, काम हो गया, पहले क्या काम हुआ, जब वो वहां पहुंचा उसके बाद, आफ्टर, उसके बाद ट्रेन निकली, मतलब पहले वो पहुंचा, हमने उसे रख दिया पास्ट परफेक्ट में, हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड मतलब परफेक्ट में आती है, ही हैड रीच्ड, वो पहुंच चुका था। ठीक है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, ठीक है, कहां पे आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है, कोई भी यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है, समझे यार। ओके ठीक है, फिर देखो व्हेन शी रीच्ड देयर हर फ्रेंड हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, व्हेन शी रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंची उसका दोस्त वहां से निकल चुका था, काम दोनों हो रहे हैं, वो वहां पहुंची और उसका दोस्त निकल गया था, लेकिन पहला कौन निकला, व्हेन शी रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंची उसका दोस्त निकल चुका था, पहले दोस्त निकला, तो ये आपका देखो हैड प्रेजेंट, ये आपका पास्ट परफेक्ट में आया, ये पास्ट इंडेफिनिट में आया, जब दोनों होंगे इस तरीके से रहता है, कभी एरर पूछ लिया यहाँ पे आ सकते हैं एरर। ओके फिर देखो एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि when to action simultaneously, जब दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक के बाद एक जस्ट हो रहा है, मतलब एक काम दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, simultaneously मतलब एक साथ हो रहे हैं, एक काम दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, बोथ पास्ट इंडेफिनिट, तो वहाँ पे आप परफेक्ट में किसी को यूज़ नहीं करोगे, जबकि काम खत्म भी हो गया आप पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे आपको लिखा है कि व्हेन ही ओपेंड द डोर द बर्ड फ्लू, जैसे ही उसने दरवाजा खोला पक्षी उड़ चुके थे। ठीक है, पक्षी उड़ गए, जो भी आपको बोलना है। अब यहाँ पे देखो जो ये बर्ड फ्लू कर रहे हैं, जो वहाँ से पक्षी उड़ रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दरवाज़ा खोलने पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ही दरवाज़ा खोला पक्षी उड़ गए। ठीक है, अब ये काम एक साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ठीक है, कि जैसे दरवाज़ा खोला पक्षी उड़ गए, दरवाज़ा नहीं खोलता पक्षी भी नहीं उड़ते। ठीक है, तो हमने जबकि काम खत्म हो गया, दरवाज़ा भी खुल गया पक्षी भी उड़ गए, लेकिन हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में नहीं करेंगे, इंडेफिनिट में ही करेंगे, कि व्हेन ही ओपेंड, ही ओपेंड,
पास्ट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट तो नहीं बोला मैंने भी, पास्ट इंडेफिनिट ठीक है। व्हेन ही ओपेंड, ओपेंड देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द डोर, द बर्ड फ्लू, द बर्ड फ्लू, फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म, ओके ठीक है सर। द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई। द ट्रेन स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, ठीक है पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। बिफोर आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, ठीक है पास्ट इंडेफिनिट, समझिए। वैसे तो बहुत सारे होते हैं आपके, ट्राई कर रहा हूँ कि जितना आप लोग कर सको उतना आपको तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात यार सबको क्लियर हो गई, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो, ओके। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंप्लीट भी हो गया, चल भी रहा है, कंप्लीट भी हो गया था, चल भी रहा था, पास्ट में चल रहा है हमेशा। इसमें हम किसका यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, हम बीन का वहां पे यूज करते ही करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने क्या करा, अब देखो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब हैड है, कंटीन्यूअस में बीन कर दोगे, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर और टाइम का यूज। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, राहुल हैड बीन वॉकिंग फॉर टू आवर, हैड आया, समझ जाओगे किसका है, पास्ट का है, परफेक्ट का है। बीन आया कंटीन्यूअस, समझ जाओगे परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। वॉकिंग फॉर टू आवर्स, फॉर टू आवर्स दो घंटे, फिक्स नहीं है कौन से दो घंटे, फॉर का यूज हुआ। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा था, ओके ये हो गया आपका पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करेंगे, राहुल हैड नॉट बीन वॉकिंग, आई हैड नॉट बीन रीडिंग। अब तो आप समझ रहे होंगे क्या होने वाला है, सब्जेक्ट आएगा। अब देखो जहां पे दो हेल्पिंग जो वर्ब थी हैड बीन, दो वर्ड थे, उनके ब्रेक डाउन कर लो, बीच में नॉट चेप दो। आई हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम का यूज होगा। मजा आ रहा है ना यार, सिंपल है, फ्लो अब आपका बन गया होगा, एग्जांपल आपने देख लिया होगा। ये देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है आपका, सिंस वाला फंडा चल रहा है, ओके सर। नेक्स्ट देखो इंटरोगेटिव, सिंपल है, जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले ले आना, दो वर्ड होंगे आगे वाला वर्ड ही आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म जो चल रहा है। हैड राहुल बीन वॉकिंग फॉर टू आवर, क्या राहुल दो घंटे से नहीं घूम रहा था। वेयर हैड राहुल बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राहुल सुबह से कहाँ खेल रहा था, ठीक है वही आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्वेश्चनिंग भी होगी, नॉट का यूज भी होगा। क्वेश्चनिंग है तो हेल्पिंग सबसे पहले आएगी, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है तो हमेशा नॉट का यूज करोगे। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, ठीक है। फिर देखो हैड राहुल नॉट बीन वॉकिंग फॉर टू आवर, क्या राहुल दो घंटे से नहीं घूम रहा था, ठीक है झूठ झूठ बोल रहा है कि नहीं घूम रहा था, ठीक है ओके। वेयर हैड नॉट राहुल बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है राहुल दो घंटे से कहाँ खेल रहा था, ठीक है। वेयर हैड नॉट राहुल, राहुल दो घंटे से कहाँ नहीं खेल रहा था। भाई देखो मान लो आप कि जैसे संडे था, संडे को राहुल पूरा सुबह से खेल रहा था, हर जगह खेल रहा है, हर जगह घूम रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई पार्क नहीं था जहाँ वो नहीं गया था, ऐसी कोई गली नहीं थी जहाँ वो नहीं गया था, ऐसा कोई वो रोड नहीं थी जहाँ वो नहीं गया था, ऐसा कोई फील्ड नहीं था जहाँ वो नहीं गया था। तो बोला कि भाई वेयर हैड नॉट राहुल बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अरे ये बताओ राहुल दो घंटे से कहाँ नहीं घूम रहा था, हर जगह तो घूमा है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, ये था आपका पूरा फंडा किसका, पास्ट का, पास्ट भी कंप्लीट। लास्ट है आपका क्या, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, ठीक है फ्यूचर है, आगे की बात होगी, ठीक है। मतलब हम अपनी इसमें कोई प्लानिंग करते हैं कि यार आगे ऐसा होगा, प्लानिंग की बात करते हैं, सिंपल है। इसमें इसमें स्ट्रक्चर हम पॉजिटिव का यूज करेंगे, ठीक है हम इनडेफिनेटिव कर रहे हैं, इसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपकी आएगी या तो विल आएगी या तो शैल आएगी, या तो क्या आएगी, विल आएगी या शैल आएगी। विल किसके साथ आएगी, फर्स्ट पर्सन जो होंगे उनके साथ शैल आएगा, सेकंड और थर्ड जो होंगे उनके साथ विल आएगा, ठीक है। भले ये कहा जाता है कि जो नॉर्मल स्पीकिंग वाला अब होता है ना उसमें शैल का यूज अब नहीं होता, उसमें सिर्फ विल का होता है, लेकिन ग्रामर में आप पढ़ लेना इसको, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, और सेकंड थर्ड पर्सन के बाद वो किसका, विल का, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर। देखना यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल मेंशन नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन कोई भी हो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो शैल का यूज करना, सेकंड और थर्ड पर्सन चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे वो आपका प्लूरल हो विल का यूज करना, ओके सर। स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट।
राहुल विल गो टू स्कूल, राहुल स्कूल जाएगा, एक प्लानिंग चल रही है कि भाई कल राहुल स्कूल जाएगा। हाँ भाई राहुल तू कल वहाँ जाएगा, ठीक है, एक प्लानिंग चल रही है। ओके आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, शैल का यूज हुआ क्योंकि आई आपका क्या है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करोगे। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। वी शैल प्ले क्रिकेट, वी क्या है सेकेंड पर सॉरी वी क्या है, वी भी आपका फर्स्ट पर्सन ही है, वी भी आपका फर्स्ट पर्सन ही है लेकिन प्लूरल है, ये सिंगुलर था ये प्लूरल था। शैल का यूज होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो प्लूरल हो शैल का यूज करोगे, ठीक है। वी शैल प्ले क्रिकेट, ठीक है हम क्रिकेट खेलेंगे, कोई नहीं रोकेगा हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्या नेगेटिव वाला, सिंपल ऐसा नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन शैल, सेकंड थर्ड विल, राहुल विल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। ओके यस सर, समझ आई ना बात, सिंपल है यार, आपने नेगेटिव भी बना दिया। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरोगेटिव की, क्वेश्चनिंग है। हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, बाकी जो छोटा वो कर लो, हर जगह सेम ही चल रहा है, थोड़ा सा देखना है हेल्पिंग वर्ब का क्या फंडा चल रहा है, ठीक है। विल राहुल गो टू स्कूल, शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो। ओके क्लियर है दोस्त बात, समझ रहे हो ना। अब बोल रहे होंगे सर आप जल्दी चल रहे हो, अब इसमें क्या करो बताओ, स्टार्टिंग हमने बिल्कुल अच्छे से कर ली, आगे आप फास्ट चल लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना है, आपका इंटरोगेटिव भी बन गया, नॉट भी बन गया, नेगेटिव भी बन गया। विल राहुल नॉट गो टू स्कूल, क्या राहुल स्कूल नहीं जाएगा। शैल आई नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। व्हाई विल मॉम नॉट कॉल हिम, मम्मी ने उसे क्यों नहीं बुलाया है या क्यों नहीं बुलाया होगा, ठीक है। व्हाई विल मॉम नॉट कॉल हिम, लेकिन ये किसकी बात हो रही है, ये मत बोलना कि ये पास्ट की बात हो रही है, नहीं ये आपकी प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो रही है कि व्हाई विल मॉम नॉट कॉल हिम, मम्मी ने उसे क्यों नहीं बुलाया होएगा, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट की फ्यूचर की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना। ओके चलो ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब हम कर रहे हैं आपका क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में ध्यान रखना विल बी या शैल बी, या तो आप किसका यूज करोगे, विल बी का यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब जो है, या किसका करोगे शैल बी का यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब आपके यहाँ पे विल बी या शैल बी। विल आपको पता है फर्स्ट पर्सन, शैल विल आपको पता है फर्स्ट पर्सन चाहे वो प्लूरल हो सिंगुलर हो, विल आपको पता है सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, शैल आपको पता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो सिंगुलर हो, ठीक है। थर्ड पर्सन राहुल विल बी गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा होगा, ठीक है कंटिन्यूअस है फ्यूचर में जा रहा होगा। आई शैल बी रीडिंग अ नॉवल, मैं नॉवल पढ़ रहा होऊंगा। ही विल बी स्टेइंग हियर, वो यहाँ होएगा, ठीक है वो यहाँ हो रहा होगा मतलब हमारे साथ होगा, ठीक है। ही देखो थर्ड पर्सन था विल बी का यूज हुआ, फर्स्ट पर्सन था शैल बी का यूज हुआ। ओके सर क्लियर हो गया, ये बन गया आपका पॉजिटिव कंटिन्यूअस का। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव का, तो सब्जेक्ट है विल शैल। अब देखो विल बी था, दो वर्ड थे ना, बीच में ब्रेक डाउन कर लो, वहां पे आपको नॉट घुसा देना है, ठीक है। अब विल आपको पता है, शैल आपको पता है, नॉट घुसा दो बीच में, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर लेना क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी आएगा भाई। राहुल विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल नॉट बी रीडिंग ए नॉवेल, ही विल नॉट बी स्टेइंग हियर। ओके समझ गए, यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे कि सर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, विल बी will be, सिर्फ will होगा present indefinite, will be होगा सिर्फ will होगा तो future indefinite, अगर will be होगा future continuous का, आपने negative बना दिया। अब हम बात करते हैं interrogative, तो will shall को पहले ले आओ, फिर subject will be, verb की first form ing, object will Rahul be going to school, shall I be reading a novel, will he be staying here, आपके बन गए interrogative। फिर आपको पता है सर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद भी। ओके जब भी आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओगे ना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा। ओके चलो विल राहुल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, शैल आई नॉट बी रीडिंग ए नॉवेल, विल ही नॉट बी स्टेइंग हियर, सेम मैं आपको एग्जांपल लाऊं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। कंटिन्यूअस भी आपका कंप्लीट, ठीक है। सेकंड लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव या शैल हैव। ओके अगर मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या थी हेल्पिंग वर्ब बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या थी हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज था या तो हैव था। पास्ट परफेक्ट में क्या था, हैड था। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, हैव है लेकिन विल के साथ और शैल के साथ, बाकी वर्ब के थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में आएगी ही आएगी। राहुल विल हैव गॉन टू स्कूल, शी विल हैव स्लेप्ट, आई शैल हैव रीड अ नोवेल। गॉन थर्ड फॉर्म, स्लेप्ट स्लीप की थर्ड फॉर्म, रेड इसे हम रेड कहते हैं, रीड रेड रेड।
ठीक है। रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम होते हैं। रीड मतलब फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रेड आर ई डी रेड हम उसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, रेड मतलब पढ़ा, ठीक है ओके। और रेड थर्ड फॉर्म भी उसकी वही होती है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं। ओके सर, नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल नॉट हैव कर लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर लो, ठीक है। सब्जेक्ट या तो विल करना या शैल करना, उसके बाद नॉट हैव, बोला है ना, जब हेल्पिंग का में दो वर्ड होंगे बीच में नॉट लगाना है, ओके। राहुल विल नॉट हैव गोन टू स्कूल, शी विल नॉट हैव स्लेप्ट, आई शैल नॉट हैव रीड अ नोवेल, समझ आया? यस सर। अब इंटरोगेटिव में क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब का दो वर्ड है, एक वर्ड को पहले ले आओगे, विल शैल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट हैव वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विल राहुल हैव गोन टू स्कूल, विल शी हैव स्लेप्ट, शैल आई हैव रीड रेड अ नॉवेल, क्लियर हो गया, फ्यूचर परफेक्ट था। अब हम लास्ट इसमें करेंगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट का जो हम यहाँ पे लास्ट करेंगे वो क्या करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे, ठीक है। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड थे, उसके बाद आपका हैव जाएगा उधर, ठीक है भाई। विल राहुल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, विल शैल नॉट हैव स्लेप्ट, शैल आई नॉट हैव रेड अ नोवेल, ओके, समझ आ रही है ना, दिक्कत तो नहीं आ रही है, ऐसे करोगे भाई। लास्ट हम आप इसमें करते हैं आपका क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, जो परफेक्ट है और चल भी रहा है, जो परफेक्ट है और चल भी रहा है। देखो नॉर्मल अगर मैं बोल पॉजिटिव है, इसमें आपका विल शैल हैव बीन आएगा, ठीक है, विल आएगा, विल हैव बीन होगा या शैल हैव बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस भी रखना है, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज करोगे टाइम अगर वहां पे होगा तो, ठीक है। जैसे राहुल विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, राहुल 2 घंटे से घूम रहा होगा, ठीक है। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रही होगी, ये फ्यूचर की बात होगी, ठीक है, कि वो सुबह से खेल रही होगी सिंस मॉर्निंग, ओके, सिंपल है, पॉजिटिव था। नेगेटिव हम बना देंगे, सब्जेक्ट विल शैल, बीच में देखो विल हैव बीन शैल हैव बीन, ठीक है, विल हैव था शैल हैव था, उनके बीच में नॉट लगा दिया, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी सिंस फॉर जो भी आपका हुआ। राहुल विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अगर ये इतना भी लिखा होगा राहुल विल नॉट हैव बीन वॉकिंग, समझ जाना ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कैसा, फ्यूचर का, विल है तो ऑब्वियसली हमेशा फ्यूचर होगा, ऐसे ही तो पहचानोगे आप लोग, है ना। चलो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ओके सर। विल राहुल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, विल शी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कुछ दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, कुछ दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। एंड देन आपका लास्ट नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसमें इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट हैव बीन लगा लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर लगा दो, मजे से क्लियर होगी चीज, ओके। विल राहुल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, विल शी नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, समझ गए, विल था हेल्पिंग का पहले आई, शी था, शी क्या था, थर्ड पर्सन था, तो विल का यूज हुआ, नॉट हैव बीन है तो क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या वी फोर फॉर्म भी आप इसे कहते हो, सिंस का यूज क्यों हुआ, क्योंकि मॉर्निंग एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम था, ठीक है, सिंस का यूज हुआ। तो ये आपका यहाँ पे पूरा क्या टेंसेस का फंडा, टेंसेस ने हमें बताया कि कैसी कैसी उनकी सब्जेक्ट की कंडीशन है, कब काम हो रहा है, कब काम नहीं हो रहा है। होप यार ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कैसा कैसा आपका पूरा काम क्या कंप्लीट करे, चाहे वो पास्ट हो, आपका प्रेजेंट हो, आपका फ्यूचर हो, ठीक है। बाकी और भी इन पे सारे कई सारे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी हौच पौच सा माहौल रहता है, नियम वगैरह रूल्स वगैरह होते हैं, बट कोई नहीं, इतना करोगे एक तो आपको यहाँ से क्या हो गया, मीन सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, जो भी आपको एरर पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर होंगे। अब आप आगे जो भी सेंटेंस बनाओगे वो इन बेसिस पे बनाओगे, ठीक है, कि वो कहाँ पे क्या एक्शन चल रहा है, एक्शन किस स्टेट में चल रहा है, प्रेजेंट में है, कैसा है प्रेजेंट में, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि इंटरोगेटिव है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव है, उस बेस पे आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आपके सेंटेंस होंगे उनको क्रिएट करोगे, ठीक है, कर लोगे, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जितना रिवाइज हो सके करते रहो, ठीक है, जितना हो सके रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और एग्जाम को क्रैक करना, ओके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।